वेलकम टू केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बिन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो केरोसिस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये जो कार्बिन केमिस्ट्री CSNET गेट IIT JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग कार्बिन केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे, कैसे कार्बिन को प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका जो डिटेल्स प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल जितना भी कार्बिन केमिस्ट्री है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, तो ये कार्बिन होता है, कार्बिन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, वन इज ए ट्रिपलेट कार्बिन। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। तो जो कार्बिन होता है, ये कार्बिन दो टाइप का होता है, वन इज योर सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर इज योर ट्रिपलेट कार्बिन। ये जो सिंगलेट कार्बिन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखो कार्बन, ठीक है, हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये देखो, ये बेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक सिंगलेट कार्बिन होता है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड फॉर्म, ये बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। ट्रिपलेट जो कार्बिन होता है वो दो टाइप का होता है, वन इज योर बेन शेप, अनदर इज ए लीनियर शेप, ठीक है। और यू कैन से स्ट्रक्चर, ये जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो दो टाइप का होता है, वन इज योर बेन स्ट्रक्चर कार्बिन, जो बेसिकली ऐसा होता है स्ट्रक्चर, एंड अनदर इज योर लीनियर, एक लीनियर फॉर्म में रहता है एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तौर पे रहते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, एंड यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्रिपलेट कार्बिन, दिस इज सिंगलेट कार्बिन, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहते हैं। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बिन। नाउ द रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं उसका रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होता है और स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, ठीक है। सो सिंगलेट कार्बिन का रिएक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेरिजन टू ट्रिपलेट कार्बिन। नाउ कैसे हम लोग इस कार्बिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कार्बिन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड रिएक्टिव होता है। ये जो कार्बिन होता है ये बहुत ही रिएक्टिव एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। अब इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कार्बिन प्रिपरेशन का बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज योर जो डायजो एल्केन कंपाउंड होता है, दैट मीन्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2CH2CO2ET। तो ये जो डायजो ग्रुप है यहाँ पर अगर हम लोग हीट से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से कार्बिन जेंट होता है। तो ऐसे करके हम लोग कार्बिन जेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग कोई भी हैलोफॉर्म कंपाउंड, लेट्स CH3, ठीक है, एक्स कैन बी क्लोरिन, एक्स कैन बी ब्रोमिन, ठीक है, X can be your chlorine, X can be your bromine। यहाँ पे अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे, लेट्स एक एग्जाम्पल दे देते, टार्ट बेट ऑक्साइड काइंड ऑफ बेस, इस बेस से अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से प्रोटोन रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव जेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, अनदर हैलो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, उसके बाद हम लोग को मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्बिन। क्लियर हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट प्रोसेस इज देयर R2CBr2। यहाँ पे अगर हम लोग ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लिथियम एक्सचेंज होता है, CBrLi जनरेट होता है, एंड यहाँ से LiBr रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग कार्बिन। तो ये डिफरेंट तरीके से कार्बिन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज देयर, दैट इज योर कॉपर एंड रोडियम बेस कार्बिन जनरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉपर एंड रोडियम बेस, दैट मीन्स जो कॉपर सॉल्ट होता है और रोडियम बेस कार्बिन जनरेशन। तो इसको कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, मेनली एल्काइल जो डायजो कंपाउंड होता है, एल्काइल जो डायजो कंपाउंड होता है वहां से भी हम लोग कार्बिन जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉपर और रोडियम सॉल्ट। उसके बाद हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पे ऐसे करके फ्री कार्बिन जेनरेट नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे करके कार्बिन जेनरेट होता है, बट वहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके एज्यूम कर सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ पे मेटल बाउंड रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटलो कार्बिन। ना यहाँ पे एक डिफरेंस है,
इसके पहले हमने जितना भी कार्बिन जेनरेट किया है सब तो इलेक्ट्रोफिलिक के नेचर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, बट इन कंपेयर टू दिस कार्बिन, ये जो कार्बिन होता है मेटलो कार्बिन जो हमने जेनरेट किया है वो लेस एनर्जेटिक होता है, लेस एनर्जेटिक दैट मीन्स मोर सेलेक्टिव। ठीक है, जो कॉम्पाउंड लेस एनर्जेटिक होता है वो मोर सेलेक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये कार्बिन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो लेस सेलेक्टिव होता है, वेरी सिंपल केमिस्ट्री। सो दैट मीन्स ये जो मेटलो कार्बिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे। ओके, ये जो मेटलो कार्बिन है इसको हम लोग कैसे इसका रिएक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं, तो ये जो मेटलो कार्बिन है इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज योर सी एच ऑड ओ एच ऑड एन एच इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, ये जो मेटलो कार्बिन हम लोग स्टडी करेंगे अभी, इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज योर सी एच और ओ एच और एन एच इंसर्शन। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग मेटलो कार्बिन जेनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैसे यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले और एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री मैं बता देता हूँ, दैट इज योर बैमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन। और तो जो बैमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन वो कैसे होता है, देखो बैमफोर्ड स्टीवन कुछ इस तरह से होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल से हम लोग यहाँ पे इमीन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनरेट किया है, एन एच एस ओ टू कुछ जैसे टॉलोइन टाइप ऑफ सब ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे, बेस तो ये बेस क्या करता है ना, यहाँ से प्रोटोन को ले लेता है, यहाँ पे जो प्रोटोन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, जैसे आठ डैश एन माइनस एस ओ टू टॉलोइन, उसके बाद क्या होता है ना यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, आर आर डैश डबल एन प्लस डबल वन एन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से कार्बिन जेनरेट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जेनरेट होता है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये है बैमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन, इससे भी हम लोग कार्बिन जेनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैक टू द मेन पॉइंट, जो हम लोग मेटलो कार्बिन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे वही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेटलो कार्बिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे तो देखो ये जो ग्रुप है, दिस इज योर डायजो ग्रुप, राइट, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डायजो ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम लोग कॉपर से ट्रीट करेंगे, कॉपर सॉल्ट से रिफ्लेक्स करेंगे, तो क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उसको अगर कॉपर से ट्रीट करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट, वहां पे अगर करेंगे तो यहाँ पे कार्बिन जेनरेट होगा। अंडर दिस कंडीशन क्या होता है ना, यहाँ पे जो सी एज है एक्सेसिबल हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो है यहाँ पे इंसर्शन केमिस्ट्री होता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे न्यू बॉन्ड जॉइंट होता है। देखो यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड जॉइंट होता है, दैट इज अ थ्री मेंबर रिंग जॉइंट होता है। क्लियर हो गया, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ए। क्लियर हो गया, सिमिलरली देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, जो रोडियम एसिड है, जो भी कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे यूज किया है, उसको अगर हम लोग यहाँ से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ब्रेक होगी, यहाँ पे कार्बिन जॉइंट होगा, राइट, जो कार्बिन जेनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सीओ रेड कार्बिन यहाँ पे आ जाएगा, सीओ टू सी एच थ्री। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अभी देखो ये जो कार्बिन यहाँ पे जेनरेट हुआ है वो इंसर्शन रिएक्शन करेगा बाय यूजिंग 1 2 3 4 5, फाइव मेंबर रिंग जेनरेट करेगा, जो फाइव कार्बन पे जो सी एच बॉन्ड है वहाँ पे इंसर्शन करेगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो इंसर्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट फाइव मेंबर रिंग जेनरेट होगा। नाउ यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज फाइव मेंबर, तो डेफिनेटली जो एडजेसेंट जो ग्रुप होगा वो ऑपोजिट होगा, राइट, सो दैट विल बी फाइनल आंसर बी। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग इस रोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बिन जेनरेट होगा डेफिनेटली,
वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव मेंबर में जो कार्बन पे जो हाइड्रो सी एच बॉन्ड है उसके साथ इंसर्शन रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या जेनरेट होगा, न्यू बॉन्ड जेनरेट होगा। उसके बाद देखो ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, एक तो ऊपर है तो ऑपोजिट भी क्या होगा, डेफिनेटली ओ बेंजाइल होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना कुछ इस तरह से, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये डेफिनेटली ओ बेंजाइल एंड यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बोनिल भी है। ऑलराइट, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सेप्शन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे देखो जब हम लोग इस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं इस सिस्टम में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एन टू सी एच टू माइनस, या फिर एन टू में एक पॉजिटिव है, ठीक है, एस आई एम ई थ्री, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, सी एच एस आई एम ई थ्री एन टू, ये जेनरेट होगा, ठीक है ना। अब ये जाके क्या करेगा, यहाँ पे सिलिकॉन में अटैक करेगा, सिलिकॉन में अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड जेनरेट होगा, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इजीली ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली क्या जेनरेट होगा, देखो सी एच टू, सॉरी सी एच, उसके बाद है एन टू एंड देन यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगर हम लोग ये ब्यूटाइल लिथियम जो है ये बेसिकली बेस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे हीट कंडीशन था कुछ, हीटिंग कंडीशन था आप यहाँ पे अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, हीट अगर करेंगे तो यहाँ पे कार्बिन जेनरेट होगा, ठीक है, तो ये जो कार्बिन जेनरेट होगा वो क्या करेगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है फाइव नंबर कार्बन पे उसके साथ इंसर्शन रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा बेसिकली, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहेगा, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये बिलो द प्लेन होगा, क्लियर हो गया, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली ओइज, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होगा, कार्बिन जेनरेट होगा, राइट, यहाँ पे ओइज था, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ओइज इंसर्शन होगा, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री, ओइज इंसर्शन, तो क्या होगा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन मेंबर रिंग जेनरेट होगा, तो बेसिकली ये सेवन मेंबर रिंग जेनरेट होगा, तो ये बेसिकली ओइज इंसर्शन है, क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। उसके बाद जो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर हम लोग रोडियम मेटल से ट्रीट करेंगे जो डायजो कॉम्पाउंड है, तो इस बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे कार्बिन जेनरेट होगा, कार्बिन जेनरेट होने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे जो एन एज है वहाँ पे एन एज इंसर्शन होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर हो गया, सी एच टू ए आर, ठीक है ना, यहाँ पे एन एज है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है एन एज इंसर्शन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बॉन्ड जेनरेट होगा वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर रिंग जेनरेट होता है, सो दैट इज दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है, ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद देखो ये तो हो गया इंसर्शन केमिस्ट्री, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये जो मीडियम है ना सी एच, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनिशियली, जो हैलोफॉर्म होता है उसके साथ अगर हम लोग बेस से ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये बेस से अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप में कार्बिन जेनरेट होते हैं। अभी ये जो कार्बिन होता है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है, ऐसे करके इंसर्शन नहीं होता है, वो इतना रिएक्टिव होता है कि डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाता है, डबल बॉन्ड में ये एडिशन होता है, कैसे होता है देखो सी बी आर टू ऐसे करके, ये काइंड ऑफ ऐसे करके एडिशन होता है, तो उसमें क्या होता है साइक्लोप्रोपेन रिंग जेनरेट होता है। अभी ये जो एडिशन होता है
वो सेम साइड से होता है, सेम फैशन से होता है. एज ए रिजल्ट ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेम फैशन से होता है, सेम फैशन सेम साइड से होता है. सिमिलर केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग डिफरेंट रिएजेंट कॉम्पोजिशन से यूज करेंगे, जिसका नाम है सीमन स्मिथ रिएक्शन. राइट, सीमन स्मिथ रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था. तो ये जो सीमन स्मिथ रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी सेम केमिस्ट्री अप्लाई होता है, बट यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा कोई इंटरमीडिएट जेनरेट होता है आई सी एच टू जिंक आई. इसके साथ रिएक्शन होने के बाद कुछ इस तरह का, इस तरह से एक इंटरमीडिएट जेनरेट होता है. वो क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन होता है. ठीक है, अभी ये जो डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, ये जो सी एच टू का जो एडिशन होगा, वो भी सेम फेस से होता है. एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो काइंड ऑफ ऐसा होता है. ठीक है, सी एट एच सेवनटीन सी एच टू ओल सेवन सी ओ टू ओ एम ए. राइट ना, जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, एनओएच एंड वाटर है. एनओएच क्या करेगा, यहाँ पे जाके डायरेक्टली अटैक करेगा. एनओएच जाके डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो विल गेट काइंड ऑफ दिस. सो दैट विल फाइनल आंसर. उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉर दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री, फॉर द सीमन स्मिथ रिएक्शन, अगर कोई भी डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन पे ओइज रहेगा, दैट मींस अगर एलाइलिक ओइज सिस्टम रहेगा, क्लियर हो गया. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन पे ओइज मींस एलाइलिक ओइज. अगर कोई एलाइलिक ओइज सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग सीमन स्मिथ रिएक्शन करेंगे तो ओइज का डायरेक्शन जिस साइड में है, यहाँ पे सी ए ये जो कार्बन है ना वो भी सेम साइड में आता है. दैट मीन्स ये जो ओइज होता है वो इस जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है. क्लियर हो गया. एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन रिंग जॉइंट होता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम साइड में आता है. दैट मींस इसका ओरिएंटेशन अबव द प्लेन आएगा. क्लियर हो गया, बिकॉज उसका नेक्स्ट कार्बन पे ओएच का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है. बिकॉज ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे जेनरेट होता है वो वहाँ पे जो जिंक रहता है, जिंक क्या करता है ओएच के साथ कोऑर्डिनेट करता है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन आता है. सो दैट विल बी द आंसर. कौन सा आंसर नहीं होगा, रॉन्ग आंसर होगा अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे. दैट मीन्स अगर हम लोग इसको नीचे फेज में करेंगे तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया, इसका आंसर रॉन्ग होगा, ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, तो वैसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दो ही प्रॉब्लम था सीमन स्मिथ रिएक्शन के ऊपर. ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. देखो, कॉपर, एल्काइल जो डाई जो सिस्टम है, यहाँ पे क्या करेगा, कार्बिन जॉइंट करेगा. तो ये जो कॉपर सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पे एक इस सिस्टम को हटा देगा, यहाँ पे कार्बिन ऐड करेगा. राइट, उसके बाद कार्बिन क्या करता है, कार्बिन एक होता है सीएच इंसर्शन, अनदर इज और एडिशन रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया. ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है. अभी देखो यहाँ पे सीएच इंसर्शन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 ये जो सीएच सिस्टम, अभी ये एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, तो डेफिनेटली ये क्या करता है ना, इस सिस्टम में एडिशन कर देता है. कैसे करता है, देखो इसको हम लोग थोड़ा रोटेट करके लिखते हैं, इसको हम लोगों को बस घुमाना है. ठीक है, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, देखो इस बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड, ये बेसिकली योर ई स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो हम लोग इसको मेंटेन रखना है. ठीक है, क्लियर हो गया. ऑलराइट, तो ये जो कार्बिन है ये क्या करेगा, अभी इसके साथ एडिशन करेगा. हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ऐसे करके, तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना है. देखो ये जो बॉन्ड है ना सी एच, एंड यहाँ पे भी एक बॉन्ड है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ये सी एच थ्री सेम डायरेक्शन में है. दैट मीन जब यहाँ पे रिंग जेनरेट होगा, यहाँ पे जब रिंग जेनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, दिस इज योर न्यू बॉन्ड. ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे ये सी एच थ्री एंड दिस हाइड्रोजन आर सेम साइड, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम साइड में होगा, चेक कर लो. उसके बाद थ्री मेंबर रिंग, तो डेफिनेटली इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में होगा, ऑपोजिट नहीं होगा, इम्पॉसिबल. सो दैट विल बी फाइनल आंसर. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. लेट्स टॉक अबाउट सम नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इस टाइप जो सिस्टम है हम लोग यहाँ पे देखो, जो कॉपर सॉल्ट है वो क्या करेगा, ये जो डाई जो सिस्टम है यहाँ पे जाके कार्बिन जेनरेट करेगा. तो मैं प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कार्बिन.
अभी कार्बिन क्या करेगा, देखो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा डेफिनेटली। तो कैसे करेगा देखो, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो एडिशन होता है वो किस सिस्टम के लिए, डबल बॉन्ड के लिए होता है। तो डेफिनेटली ये जो पाई क्लाउड होता है उसके साथ इसका रिएक्टिविटी थोड़ा फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू इंसर्शन, ठीक है, बिकॉज इंसर्शन में सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, बट एडिशन में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी भी केस में डबल बॉन्ड रहेगा तो डेफिनेटली इन एडिशन फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू इंसर्शन, ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन होगा, सॉरी एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली देखो, ऐसे करके इन जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, राइट, एंड बाकी जो भी है वो सेम रहेगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी फाइनल एंड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, जो ये जो रिएजेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करके क्या होगा, फर्स्ट जो रिएजेंट MnO2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, डायजो में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट कॉपर क्या करेगा, ये डायजो को कार्बिन में कन्वर्ट करेगा, क्लियर हो गया। CY क्या करेगा, यहाँ पे कार्बिन में कन्वर्ट करेगा। सो यू कैन राइट डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा कार्बिन, ठीक है, एंड देन यू हैव लाइक दिस। तो इसको अगर हम लोग सही से रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, जस्ट अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो ये होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बिन जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, इसके साथ एडिशन करेगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली देखो, 1 2 3 4 5 6 सिक्स मेंबर रिंग, यहाँ पे न्यू बॉन्ड जनरेट होगा वो बेसिकली देखो दिस ब्लैक बॉन्ड इज अ न्यू बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे जो रेड बॉन्ड है वो अभी न्यू बॉन्ड होगा, रेड जो बॉन्ड है वो न्यू बॉन्ड होगा, एंड ये जो डबल बॉन्ड वो इस तरह से है या फिर जैसे अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन में भी चला जाएगा, इज योर दिस बॉन्ड, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, दो स्टेप में है। देखो ये जो प्रॉब्लम थे यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर एसिडेट जो भी सिस्टम है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे कार्बिन जेनरेट करेगा, राइट, तो ऐसे करके यहाँ पे कार्बिन जेनरेट करेगा डायजो सिस्टम में। अब ये जो डायजो सिस्टम में कार्बिन जेनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, इमिडिएटली यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जेनरेट होगा देखो, तो हम लोग घुमा के लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक न्यू बॉन्ड जेनरेट होगा अभी, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये ओल्ड था, यहाँ पे CO2 ET डबल बॉन्ड, एंड ये जो कार्बन है ना इस कार्बन पे एक मिथाइल था, ऐसे यहाँ पे मिथाइल था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, अगर हम लोग हीट करेंगे ना 580 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो थ्री मेंबर रिंग है ना, ये जो थ्री मेंबर रिंग है उतना स्टेबल नहीं रहेगा, वो इमीडिएटली ब्रेक करके रीअरेंजमेंट करेगा, कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये ऐसे जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो बनेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर रिंग होगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस विल बी CO2 ET and this will be on methyl and so that will be your final answer, clear हो गया। उसके बाद देखो जो chemistry हम लोग discuss करेंगे that will be your Ulf rearrangement, मैं पहले ये draw कर लेता हूँ। okay, जो Ulf rearrangement होता है वहाँ पे क्या होता है, जो digestive system होता है वहाँ पे अगर हम लोग photolytic condition से treat करते हैं तो
यहाँ पे कार्बिन जैंड होता है, उसके बाद वहाँ पे कीटीन इंटरमीडिएट जैंड होता है, राइट, दैट इज द उल्फिडी अरेंजमेंट। तो वही हम लोग इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग फोटोलाइटिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कार्बिन जैंड होगा। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो सिस्टम ये इधर माइग्रेट होता है और ये जो बॉन्ड है वो इधर जाता है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट जैंड होता है, सो दिस इज बेसिकली योर कीटीन, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये जो मिथानॉल है उसका काम क्या है, अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, ऐसे करके अटैक करेगा। उसके बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, CO2 Me, क्लियर हो गया। तो दैट विल बी फाइनल आंसर। तो उल्फ रिअरेंजमेंट का एक ही प्रॉब्लम था। अभी ये जो दो प्रॉब्लम है ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है देखो, यहाँ पे अगर हम सही से देखेंगे, ये जो केमिस्ट्री है ना, यहाँ पे अगर हम लोग BF3 दैट इज अ लुईस एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ डेफिनेटली बाइंड करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर करेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, दैट इज वेरी सिंपल। उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा घुमा के लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सो दैट इज योर BF3 सिस्टम, राइट। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज योर ये जो हाइड्रोजन होता है वो उसके साथ क्या करता है, टॉटोमराइज करता है ऐसे करके, और यू कैन से इनोलाइज करता है, व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ऐसे करके बैक करता है, सो ये साइमल्टेनियसली होता है। तो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यू कैन से BH और BF3 वॉट एवर यू वॉन्ट, या फिर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हाइड्रोजन था ना, सॉरी यहाँ पे BF3 होगा, ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ सकते हैं वॉट एवर वे यू वॉन्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखो, ये जाके यहाँ पे अटैक करते हैं, सो वी कैन एज्यूम लाइक दिस वे, ठीक है, ये कोई भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म यहाँ पे प्रपोज नहीं है, सो वी कैन एज्यूम। तो ये निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड जॉइंट होगा, राइट, न्यू बॉन्ड, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे OBF3, तो ये बेसिकली ऐसे करके ये बैक करेगा और ये इधर चले जाएगा, सो वी कैन एज्यूम लाइक दिस प्रोडक्ट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, कैसे फॉर्म हो रहा है, ये जो लुईस एसिड वो बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, जो कार्बोनिल डायजो ग्रुप है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके बाद काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म पाथ से वो ये प्रोडक्ट जेनरेट कर रहा है। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे, एसिड कहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, डेफिनेटली ये जो एसिड है ये जो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, राइट, ये तो प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये एनालाइज करेगा, सिमिलर तरीके से एनालाइज करेगा, कैसे एनालाइज करता है देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो इधर जाके ऐसे करके एनालाइज करेगा, राइट, तो सिमिलर तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा जैसे मैंने दिखाया था ऐसे करके, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स ये जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो लोन पे इधर पुश करेगा, इधर जाएगा और ये जाके यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा, तो काइंड ऑफ ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव मिथाइल, उसके बाद देखो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड जॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये ऐसा एक न्यू बॉन्ड जॉइंट होगा, राइट, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो इनोलेट है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखो ये जो CF3CO-, वी कैन एज्यूम लाइक दिस, ये जो एनायन है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और इसको ये रिमूव कर देगा। उसके बाद देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो, और भी दो तीन प्रॉब्लम है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे देखो, जो कॉपर सल्फेट है वो क्या करेगा, यहाँ पे डायजो कंपाउंड ऐड करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डायजो कंपाउंड ऐड होगा,
ठीक है, उसके साथ कॉपर बाइंड रहेगा। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो क्या होगा, ये जो सल्फर का लोन पेयर है वो जाके डायरेक्टली पे अटैक करेगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या जॉइंट होगा, देखो CH3 BU AS PH, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये अटैक कर रहा है, और यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, तो ये जाके क्या करेगा, अभी यहाँ पे जाके अटैक करेगा। जो 2-3 सिग्माटोपिक रेजमेंट होते हैं वो अभी होगा, देखो ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये इसको ब्रेक कर देगा। सो दिस इज बेसिकली योर 2-3 सिग्माटोपिक रेजमेंट। कैसे हो रहा है ये, 1 दिस इज 2 दिस इज 1 2 3, जिस बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। जिस बॉन्ड से ब्रेक होते हैं वहाँ से हम नंबरिंग 1 2 3 1 2, सो 2 से 3 से शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये 2-3 सिग्माटोपिक रेजमेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा, देख लो जो भी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। उसके बाद देखो ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम रोडियम से ट्रीट करेंगे क्या होगा, कार्बिन जेंट होगा। तो कार्बिन कहाँ पे जेंट होगा, डेफिनेटली ये जो डायजो ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, ये जो नाइट्रेट ऑक्सीजन का जो लोन पेड है वो जाके ये अटैक करते हैं, सिमिलर तरीके से सल्फर जैसे अटैक करे ऑक्सीजन सल्फर सिलीन, वही ऑक्सीजन जाके ये अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो इसका रोल क्या है, कार्बिन जेंट करना, उसके बाद डेफिनेटली ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो जेंट हो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये जाके इधर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोडक्ट होगा वो यू कैन सी इन क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, राइट। कुछ ऐसा प्रोडक्ट जेनरेट होगा, और राइट, जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री यू कैन चेक इट, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ऐसे करके हम लोग जितना भी डायजो कॉम्प्लेक्स है कैसे हम लोग उसको कार्बिन जेनरेट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज वेल एज रोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में, उसके बाद हम लोग कैसे इंसर्शन एज वेल एज एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं उसका भी केमिस्ट्री हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। जो भी कार्बन केमिस्ट्री था मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो रिडक्शन केमिस्ट्री वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।